नगर निगम शिमला की 8वीं साधारण मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में शहर के सभी पार्षदों ने वर्चुअली और फिजिकली अपनी उपस्थिति दर्ज की। नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल की अध्यक्षता में बैठक की गई। इस बैठक में सभी पार्षदों ने अपने इलाकों की समस्याओं को लेकर चर्चा की। बैठक में मुख्य तौर से 8 महीनों के बाद लोगों को थमाए गए भारी भरकम पानी बिलों को लेकर चर्चा की गई। पार्षदों का कहना है कि लंबे समय के बाद आए पानी के बिलों को लेकर लोग परेशान हैं और उनकी मांग है कि बिलों की रीचेकिंग की जाए और मासिक तौर पर पानी के बिल लोगों को दिए जाए। साथ ही साथ शहर में जगह जगह लगे कूड़े के ढेर के निपटारे को लेकर भी जमकर बहसबाजी हुई। बैठक के अहम फैसलों की जानकारी देते हुए नगर निगम महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि दारनी के बगीचे में शिमला की सब्जी मंडी बनने के लिए जगह दे दी गई है। उन्होंने कहा कि 8 महीनों के बाद आए पानी के बिलों को लोग किश्तों में अदा कर सकेंगे, जिसे लेकर जल निगम विभाग से बात की गई है और जल निगम विभाग इनके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं वसूला जाएगा। और वो प्रस्ताव सब इंडिविजुअल इशू ना बनाए और जितने से ये जो 3-4 का लगा हुआ है 25 लाख का जो लगा हुआ है इसमें कितने लोगों को बेनिफिट मिलेगा? ये वाइटिंग ऑफ रोड है, ये फाइल में दो वोट कनेक्टेड है, अनाडी भी कनेक्टेड है, ये 12-6 का टेंडर। भाग्यपूर्ण व्यवस्था है, जब से SJPNL बना तब से हम निरंतर मांग उठा रहे हैं कि मासिक तौर पर बिल जारी किए जाने चाहिए और कहीं ना कहीं कंपनी भी इस चीज़ को लिए मानती है कि हम मासिक तौर पर बिल जारी करेंगे, परंतु अभी तक 2 साल में ये एक प्रक्रिया अमल में नहीं लाई गई। लोगों को लाखों लाखों रुपए के बिल जा रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके बाद अभी हमने व्यवस्था दी है और ये लोग भी इस चीज़ को माने हैं कि हम कहीं ना कहीं इंस्टॉलमेंट में उनसे बिल अपना एक्सेप्ट करेंगे और लोगों के जिनकी भी कोई क्वेरी होगी, जो कोई प्रश्न होंगे या कोई शिकायत होगी, उसको भी समयबद्ध तरीके से सेटल किया जाए। गैरेज बिल का जहाँ तक प्रश्न है, पिछली बार भी चर्चा हुई थी कि बहुत से लोग कोविड के दौरान गांव में फंसे हैं और आज भी वो गांव में ही है। अभी जैसे कोविड की जो स्थिति चल रही है बहुत ही भयानक हो चुकी है, शिमला में भी एक विकराल रूप धारण कर चुका है, लोग आज भी गाँव में, तो लोग कहीं ना कहीं कूड़े का बिल देने को भी तैयार है, परंतु जो अननेसेसरली ब्याज दर लगाई जा रही है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार से एक ही मांग रहेगी कि कहीं ना कहीं हार टाइम के लिए बिजली पानी कूड़ा टैक्स की जो मांग थी अप्रैल से लेकर हमने मांग उठाई है, अप्रैल के बाद 2 बार कहीं ना कहीं रिमाइंडर भी सरकार को भिजवाया, परंतु सरकार अभी तक सुप्त अवस्था में और इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है कि जनहित में कोई ना कार्य अमल में लाया जाए। तो सरकार से एक ही मांग रही है कि इसमें जनहित में फैसला लिया जाए। बस स्टैंड है, पंथाघाटी है और विकास नगर में है, उनको जो है हमने आज हाउस से सबूत किया कि इसको हम ऑप्शन करेंगे। और इसके बाद जो हमारे पास जैसे हमारे रानी झाक पार्क है कसुमटी में, जो कि लगभग 1.5 करोड़ की लागत से बना हुआ है, वहाँ पे बहुत लोग जो है दिन वगैरह करते हैं, तो हमने वहाँ पे जो है जाली टेम्पररी जाली लगाने का एक प्रावधान रखा है और वहाँ बच्चों को हमने परमिशन दी है कि वो लाइट बॉल से वहाँ खेल सकते हैं। इसी तरह के जो हमारे जो नगर निगम के जो स्टॉल थे, जो जिनकी डेथ हो चुकी है और वो हमने 99 ईयर्स के लिए जो दिए थे वो हमने उनकी वर्षों के लिए ट्रांसफ़र किए हैं। इस तरह से कई एस्टिमेट जो है हमने, जैसे हमारे स्ट्रीट लाइट जो छुट्टी है पूरे 34 वार्डों में, उसके लिए भी हमने लगभग 22 लाख की लागत से जो है एक एस्टिमेट पास किया है। इस बारे में हम बड़े गंभीर हैं और लोगों को जो है बहुत बिल जा रहे हैं और जो जल प्रबंधन निगम ने भी एक निर्णय लिया कि जो हम बिल दे रहे हैं 10 महीने के इकट्ठे ही, इस हम 9-10 किश्तों में करेंगे और हम लोगों से चार्ज नहीं लेंगे। लेकिन उसके बाद जो भी हम जल निगम प्रबंधक से यह रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है रीडिंग के आधार पर लोगों को सही बिल दें ताकि लोगों को किस तरह का वॉल डरना पड़े, तो वो मान गए हैं। और ये भी हमने मुद्दा उठाया था उनके सामने कि आप जो है हर महीने बिल दें, हमारे जो नए SC है उन्होंने आज ज्वाइन किया है, तो हमने उनको निर्देश दिए कि आप जो कम से कम 1 जनवरी से जो है लोगों को हर महीने जो है पानी के दें ताकि लोगों को बर्डन ना पड़े।